हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेमर्स क्लास यूट्यूब चैनल। और आज हम कराने जा रहे हैं टीम बॉबी लैशली वर्सेस टीम सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। जैसे आपको क्या होगा कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने ओपन चैलेंज रखा था, जिसमें बॉबी लैशली मुस्तफा अली को पीट कर आ गए थे। उन्होंने सेथ रॉलिंस को भी मैच स्टार्ट होने से पहले ही नीचे पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैच कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया। और फिर कर दिया थ्योरी ने फाइनली अपना मनी इन द बैंक कैश इन सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि बॉबी लैशली की वजह से ही फेल हो गया। तो आज हम इन दोनों को मैच कराने वाले हैं। कहीं ना कहीं बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस की मदद भी करी है, पर कहीं ना कहीं बॉबी लैशली को भाई हरवाया भी, मतलब मारा पीटा तो सेथ रॉलिंस को है ही ना। तो पूरा बॉबी लैशली को सेथ रॉलिंस के साथ भी नहीं कह सकते, खिलाफ भी नहीं कह सकते। ओके, तो बॉबी लैशली की टीम में ऑब्वियसली बॉबी लैशली है, एजी स्टाइल्स है। और अभी एजी स्टाइल्स की एंट्रेंस देखते हैं, थोड़ी सी पिंकी भी एंट्रेंस को स्किप करेंगे। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि टीम सेथ रॉलिंस जीती है फिर टीम बॉबी लैशली। और जॉन सीना भी है और लोगन पॉल भी है, भाई बहुत बंदे हैं बॉबी लैशली के पास जो बॉबी लैशली की टीम को जिता सकते हैं। और कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस की टीम में भी कम बंदे नहीं है। सेथ रॉलिंस की टीम में सेथ रॉलिंस, रोमन, उनके शील्ड के पार्टनर बॉबी लैशली के खिलाफ तो ब्रॉक लेसनर रहेंगे, तो वो भी आए हैं आज सेथ रॉलिंस की टीम में। और साथ में ड्रू मैकइंटायर, तो आज भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसा परफॉर्म करते हैं। और मैं लोगन पॉल को भी देखना चाहता हूँ क्या वो रोमन के सामने आएंगे और आएंगे तो कैसा परफॉर्म करेंगे। मैच में तो उन्होंने काफी अच्छा रेसल करा, जैसा मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही रेसल करके गया। रोमन को बराबर की टक्कर दी पर एंड में जाकर रोमन ही जीत गए। इनकी भी थोड़ी सी एंट्रेंस देखते हैं फिर करेंगे स्किप। अगर आपको वीडियो में जरा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब आ रहे हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस अपनी टीम में। सबसे पहले वही आ रहे हैं, दोनों टीम के लीडर पहले आ रहे थे। भाई सेथ रॉलिंस के साथ भाई बहुत गलत पिटाई करी है, सेथ रॉलिंस की बहुत पिटाई करी है भाई बॉबी लैशली ने। बल्कि उनकी तो गलती भी नहीं थी, ब्रॉक लेसनर ने आके पीट दिया। चलो देखते हैं सेथ रॉलिंस क्या अपनी पिटाई का बदला ले पाएंगे या फिर से वही काम कर देंगे बॉबी लैशली उनके साथ। ओके, अब देखते हैं अगले सेथ रॉलिंस की टीम में से कौन आ रहे हैं। ओके, तो अब आ रहे हैं उनके शील्ड ब्रदर रोमन रेंस। और भाई शील्ड को भी 10 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो आज दोनों सुपरस्टार फिर से रीयूनाइट हुए हैं। डीन एम्ब्रोस तो नहीं है भाई, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंपनी में चले गए, पर हाँ आज ये दोनों तो रीयूनाइट हुए हैं बॉबी लैशली की टीम के अगेंस्ट। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। और ये है रोमन की कस्टम अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इनकी भी थोड़ी सी एड्रेस देखते हैं फिर करेंगे स्किप। WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन। चलो अब करते हैं स्किप, अब देखते हैं अगले कौन आ रहे हैं। ओके, तो अब आ रहे हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और भाई ब्रॉक लेसनर को तो बॉबी लैशली से अपना हिसाब चुकता करना ही है। उनके जीतने के बाद जो इन्होंने हर्ट लॉक मारा है ना बॉबी लैशली ने, आज देखते हैं कि बीस्ट इनकार्नेट अपना बदला लेते हैं कि नहीं बॉबी लैशली से। ओके, तो चलो अब इनके एड्रेस को भी स्किप करते हैं। अब आ रहे हैं ड्रू मैकइंटायर और इसके बाद होगा मैच स्टार्ट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई कौन जीतेगा। सबके पास 3 फिनिशर और नॉकआउट ऑन है, फर्स्ट काउंट एनीवेयर मैच है। क्वालिफिकेशन तो ऑब्वियस की बात है ऑफ ही रखते हैं हम, क्वालिफिकेशन वाले मैच हमें पसंद नहीं आते। और ड्रू मैकइंटायर आ रहे हैं, भाई ड्रू मैकइंटायर भाग भाग के क्लेमोर मारते हैं तो ये थोड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ पे भागने वाला फिनिशर सिर्फ रोमन का है नीचे स्पीयर, जो रनिंग में मार सकते हैं, बाकी ड्रू मैकइंटायर तो कहीं भी क्लेमोर मार देते हैं।
तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा टीम बॉबी लैशली को, वरना उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, हो सकता है। ओके, बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस शुरू कर रहे हैं और बॉबी लैशली ने आती अपना फिनिशर लगा दिया। सेथ रॉलिंस भी लगाना चाह रहे थे पर वो लगा नहीं, पिनफॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो होगा नहीं, कम से कम एक फिनिशर और मारना पड़ेगा बॉबी लैशली। ओ भाई, ब्रॉक लेसनर ही आया सेथ रॉलिंस को बचाने बॉबी लैशली के अगेंस्ट, और बॉबी लैशली ने बाहर फेंक दिया। भाई अलग ही गुस्सा चढ़ रहा है आजकल बॉबी लैशली को। ओके, अब द फिनोमिनल वे एज स्टाइल्स को टैग मिल चुका है। अबे यार, फिनोमिनल फोरआर्म मारना चाहते थे एज स्टाइल्स पर, भाई वो पता नहीं कौन सी ग्लिच की वजह से नीचे चले गए। ओके, दोनों सुपरस्टार रिंग साइड की तरफ आ चुके हैं और कमेंटेटर पहले पीछे हुए, बल्कि उनकी टेबल भी अभी ओपन नहीं करी है। ओके, एज स्टाइल्स स्टाइल्स क्लैश मारना चाहते थे पर वो मार नहीं पाए। सेथ रॉलिंस के पास तीन फिनिशर थे, सेथ रॉलिंस को भी रिवर्स करके कुछ ज्यादा तो फायदा हुआ नहीं, और यहाँ एज स्टाइल्स ने फिर से रिवर्स कर दिया। फिलहाल सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर मारना चाहिए जैसे ही उन्हें जरा भी होश आ रहा है, क्योंकि भाई वरना वो एलिमिनेट हो सकते हैं। अब मुश्किल से एक या दो फिनिशर खाने की जान रह गई है सेथ रॉलिंस। ओके, सेथ रॉलिंस बड़ा चिल्लो के मैच खेल रहा है भाई, बार बार अंदर फेंके जा रहे हैं। ओके, टैग मिल चुका है अब मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को, और आते ही उन्होंने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया। और आप कैसे भूल गए, अगर आपने मेरा लास्ट टीम ऑफ लैशली वर्सेस टीम ब्रॉक लेसनर का मैच देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये वाले सीना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गेम प्ले का, आप जाके वहां से उसे देख सकते हो। ओके, रोमन आए थे बचाने और सीना उन्हें कहीं ड्रैग करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर एजे स्टाइल्स ने इंटरप्ट कर फेंक दिया है बाहर रोमन को, और वो खुद भी उतर गए। ओ भाई, दूसरा एक तरीके से ना चार एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ गए हैं सेथ रॉलिंस को लगातार, बस गए। अब सेथ रॉलिंस खत्म, गए भाई गए। अब टैग किसे मिला, अब लीगल टैग वाले शायद ब्रॉक लेसनर। रोमन भाई, रोमन को टैग मिला सीना के सामने, और सीना ने अपने WWE में अपना लास्ट मैच रसल रोमन के सामने ही करा था, और अभी तक वो कोई भी मैच लड़ने नहीं आए हैं। तो आज देखते हैं कि रोमन क्या सीना को फिर से भेजेंगे रेसलिंग से आउट। ओके, सीना ने पहले की रूटीन तो आराम से रिवर्स कर दी। लोगन बॉल बचाने आए थे और लोगन बॉल बेचारे बीच में वैसे फिट गए। लोगन पॉल को भी यार अपने क्राउन जूल का बदला लेना है रोमन से, वो बस जीतते जीतते रह गए भाई। वन लकी पंच, सुपरमैन पंच भी मारा था उन्होंने। रोमन को फिलहाल यार ग्रिटीन या स्पीयर मारना चाहिए, क्योंकि सीना की हेल्थ रह गई है कम, तो वो अपने प्लेयर्स बराबर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम में भाई ऑब्वियस सी बात है लीडर चला गया है सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने यार एक भी फिनिशर नहीं मारा, दिक्कत यहाँ हो गई। ओके, भाई रोमन टैग देने जा रहे, रोमन स्पीयर मारने जा रहे थे पर जॉन सीना टैग देने चलेगा, और अब आ चुके हैं बॉबी लैशली और रोमन सामने, स्पीयर वर्सेस स्पीयर। तो देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है, अभी तक अभी इनका मैच देखने को नहीं मिला, पर मैं देखना चाहता हूँ कौन ज़्यादा बेटर खेलता है दोनों में से, और क्या बॉबी लैशली रोमन को एलिमिनेट करेंगे, रोमन बॉबी लैशली को एलिमिनेट करेंगे, या फिर कुछ ऐसा। लो, अब तो रूमा गंडार को टैग मिल चुका है, और मेरे हिसाब से फिलहाल ना वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर जो फिलहाल है वो है ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि इनके पास भाई तीन फिनिशर हैं, और ड्रू मैकइंटायर ऑब्वियस सी बात है भागते हुए क्लेमोर भी मार देते हैं, तो ये दिक्कत है फिलहाल बॉबी लैशली की टीम को। चलो, बॉबी लैशली ने तो सीना को टैग दे दिया। देखो, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, ड्रू मैकइंटायर की क्लेमोर भागते भागते वो पता भी नहीं चलता कब मार दी इन्होंने, कई बार लगता है वो नॉर्मल मूवी मार रहे हैं। अब देखते हैं आगे ड्रू मैकइंटायर क्या करता है। फिलहाल तो उन्होंने रिंग साइड की तरफ फेंक दिया बॉबी लैशली को, और उस साइड से भी भाई क्लेमोर क्या कनेक्ट होगी, हो गई भाई, गए सीना, दो क्लेमोर में सीना गए।
अब आ चुके हैं लोगन पॉल, और लास्ट रोमन के साथ मैच में लोगन पॉल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो देखते हैं क्या आज ड्रू मैकइंटायर के सामने भी लोगन पॉल टिक पाएंगे और लोगन पॉल को एक क्लेम ओवर। भाई आज तो अलग ही एक्साइटमेंट का लेवल चल रहा है भाई, बहुत अच्छा मैच कर लड़ रहा है आज दोनों टीम में से कभी भी कोई भी जीत सकता है। और मैकइंटायर ने भाई पहला एलिमिनेशन करा है अपनी टीम के लिए, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मैकइंटायर के। पर अभी बता दिक्कत क्या है, ड्रू मैकइंटायर के पास फिनिशर नहीं है, तो ये काफी बड़ी दिक्कत है ड्रू मैकइंटायर को अभी। ओके, तो फिलहाल मैकइंटायर डोमिनेट करे जा रहे थे लोगन पॉल को, पर लोगन पॉल ने फाइनली रिवर्स करा और फिर से मैकइंटायर ने रिवर्स कर दिया। ना ही अब मैकइंटायर पे सिग्नेचर है, ना ही अब मैकइंटायर पे फिनिशर है, तो फिलहाल मैकइंटायर को टैग दे देना चाहिए था, पर लोगन पॉल ने अपना फिनिशर हिट कर दिया। मैकइंटायर एलिमिनेट नहीं हुए, पर अब उन्हें सबसे जल्दी जो काम करना ना भाई वो है जाके टैग देना, और ब्रॉक लेसनर नीचे उतर भाई बहुत चले गए। भाई लेसनर को कोई मतलब नहीं है, उनकी टीम में से कोई भी एलिमिनेट होता रहे, बस वो यहाँ पे बॉबी लैशली की वजह से लड़ने आए हैं, उन्हें अपना बदला जो लेना है। भाई मुझे लगा ड्रू मैकइंटायर को अपनी क्लेम ओवर याद आ गई थी, वो भागते जी तरह से रहे थे पर रुक गए बीच में। पिन फॉल कराने की कोशिश है, 1-2 किक आउट कर दिया लोगन पॉल ने। अभी मैकइंटायर के पास सिग्नेचर है, अगर वो सिग्नेचर हिट करते हैं तो लोगन पॉल के चांस है एलिमिनेट होने के, क्योंकि भाई लोगन पॉल का हेड बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और अब तो उनके हेड से ब्लड भी आने लगा है। वन पे किक आउट, भाई लोगन पॉल को हल्के में नहीं ले सकते, ये तो बात है। लोगन पॉल को क्लेम और लोगन पॉल को भी एलिमिनेट कर दिया। टीम सेथ रॉलिंस से सबसे अच्छे मैकइंटायर ही खेले अभी तक, और अब देखते हैं आप क्या बॉबी लैशली पर बदला ले पाएंगे, पर बॉबी लैशली को आते ही बाहर फेंक दिया मैकइंटायर ने। भाई मैकइंटायर अलग अलग लेवल पर चल रहा है आज, मतलब सेथ रॉलिंस की टीम में सेथ रॉलिंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो किसी को भी निकाल पाए, पर ड्रू मैकइंटायर भाई पक्के हैं। और बॉबी लैशली अपना फिनिशर लगा रहे हैं, लगा दिया भाई खत्म, ड्रू मैकइंटायर गए, और अब फिर से स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाली आ चुकी है स्टिपुलेशन, वही एक लॉट पे खा जाके पड़े ट्राइबल चीफ की। कमेंटेटरों के बेचारों के स्क्रीनें बोतलें माइक सब गिर गया बिना टेबल खोले, और रोमन को क्या लगा रहे हैं, बॉबी लैशली ने रोमन को भी फिनिशर लगा दिया मेरे भाई, खत्म, रोमन भी गए। ओ ब्रॉक लेसनर जिन्हें बचाने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी ने गिरा दिया ऊपर से आकर बॉबी लैशली की टीम का, और बॉबी लैशली का नीचे सिग्नेचर फिनिशर दोनों ही है। चलो सिग्नेचर तो रोमन ने रिवर्स करा, बट रोमन का खूसा थोड़ा हवा में रह गया, और अब रोमन को प्रिसिपिटाइजेशन शुरू हो चुकी है, और ये अचानक से ब्रॉक लेसनर को मारने की क्या सोच गई भाई बॉबी लैशली को। अबे यार रेफरी बीच में आगे बढ़ने चाहता था, बॉबी लैशली वर्सेस लेसनर देखने को मिल जाता। ओ ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया, और जिन लोगों को भी यार बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखने का मन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाकर देखना, बहुत ही ऑसम मैच था। ओके यहाँ पे फिलहाल रोमन ने गिलिटीन मारी थी, पर उसे रिवर्स कर दिया बॉबी लैशली ने, और भाई मुझे लगा बॉबी लैशली हर्ट लॉक के लिए जा रहा है, पर हर्ट लॉक के लिए बॉबी लैशली के पास फिनिशर भी तो होना चाहिए। ओके ब्रॉक को टैग मिल चुका है, वहां से एजे स्टाइल्स को टैग मिल चुका है, और एजे स्टाइल्स को आते ही F5 ये लो, F5 भी खा लिया एजे स्टाइल्स ने। 1-2 किक आउट, ब्रॉक लेसनर एक और F5, अगर ये रिवर्स नहीं हुआ 100% एजे स्टाइल्स गए। पिनफॉल करा रहे हैं, बचाने भी नहीं आ रहा भाई कोई, सब बहुत कॉन्फिडेंस है भाई बॉबी लैशली को कि भाई उनके एजे स्टाइल्स एलिमिनेट नहीं। और भाई ब्रॉक लेसनर भी जा रहे हैं, आजकल दो फिनिशर खा लिए तो ये मतलब थोड़ी है एजे स्टाइल लगातार खाते रहेंगे, एजे स्टाइल्स भी फिनोमिनल वन है, तो इतने हल्के में यार तुम नहीं ले सकते, और एजे स्टाइल स्टाइल्स क्लैश के लिए जा रहे थे शायद। आर पार निकल गए, बहुत ज़्यादा पास थे वो रोक के, क्योंकि एजे स्टाइल्स रिवर्स पर रिवर्स करे जा रहे हैं, अब एजे स्टाइल्स बस एक सिग्नेचर या एक फिनिशर के मेहमान रह गए हैं, और एजे स्टाइल्स की तरफ से स्टाइल्स क्लैश हो गया भाई कनेक्ट, पिनफॉल कराने की कोशिश है, पिनफॉल होगा नहीं, पर
बॉबी लैशली जब उनकी टीम का बंदा करा रहा हूँ ना पिन फॉल, तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है बचाने में, जाके दूसरे को मार दूं मैं। जब ब्रॉक लेसनर पिन कराते तब किसी को आने में इंटरेस्ट नहीं था। ओके यहाँ पे एजी स्टाइल्स भाई बॉबी ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट पे डोमिनेट करे जा रहे हैं और एजी स्टाइल्स स्टाइल्स वेस्ट ले जा रहे हैं। करेक्ट हो गया भाई, खत्म खत्म, ब्रॉक लेसनर गए। अब वन ऑन टू वाली सिचुएशन है रोमन के सामने। क्या रोमन अपने ब्रदर्स सेथ रॉलिंस, उनके शील्ड के पार्टनर, उनकी टीम को जिता पाएंगे अकेले, वो तो हमें मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। और रोमन ने आते ही गिलिटीन मार दी एज स्टाइल्स को और आते ही अपनी सिग्नेचर वाली गिलिटीन मार दी बॉबी लैशली को। बॉबी लैशली टैप आउट करेंगे, लग तो नहीं रहा बॉबी लैशली टैप आउट करेंगे। बॉबी लैशली ने अपने आप को बचा लिया, पर रोमन के पास अब भी एक फिनिशर है, ये दिक्कत है। ओके रोमन ने रिवर्स कर दिया, अच्छी बात है, वरना दोनों के पास बस इतनी ही हेल्थ है कि वो एक एक फिनिशर और झेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल गेम इस बात की है जिसने पहले फिनिशर हिट किया वो भाई जीत जाएगा। और दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर जा रहा है, दोनों उठाए जा रहे हैं, ये देखो सेम तीसरी बार हो रहा है लगातार। चलो रोमन ने फाइनली लीग सीट तो तोड़ी। पिनफॉल क्यों करा रहे हैं यार रोमन, पिनफॉल इतने भी वीक नहीं है। बॉबी लैशली कर दिया किक आउट, बल्कि एक घूसा मार के इन्हें अपना फिनिशर मारना चाहिए था क्योंकि बॉबी लैशली स्टंड हो गए होते, पर पता नहीं रोमन ने ऐसा क्यों नहीं करा। अब बॉबी लैशली के रिवर्स करने के चांस बढ़ गए हैं, रोमन के पास हो चुके हैं दो फिनिशर। भाई ये मूव ना हिट हो जिसमें उठा रहे हैं, भाई मूव ही नहीं हिट हो रही, कितनी बार ट्राई कर चुके। बॉबी लैशली फिर रिवर्स करती है, रिवर्स रिवर्स गेम चल रही है भाई, यहाँ बस एक फिनिशर और गेम खत्म। बॉबी लैशली ने फिर उठा लिया रोमन को, खैर रोमन को रिंग के बाहर नहीं फेंका वरना रेफरी पागल। भाई रिवर्स रिवर्स बॉबी लैशली की तरफ से रिवर्स रिवर्स आ रहा है, बॉबी लैशली अपनी टीम को हरवाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, और स्पीयर वर्सेस स्पीयर हो रहा है। आप मुझे अभी क्या कमेंट में बताओ को क्या लगता है कौन जीतेगा। रोमन स्टैंड होने वाले हैं, रोमन को हर्टलॉक मारने की कोशिश की पर रिवर्स कर दिया। भाई रोमन को हर्टलॉक मार रहे थे बॉबी लैशली और रोमन से हर्टलॉक झेला भी नहीं जाता क्योंकि रोमन की चेस्ट लाल है भाई। ओके स्पीयर गिरे जा रहे हैं, रोमन क्या ये स्पीयर कनेक्ट होगा, ओके भाई कनेक्ट बॉबी लैशली स्पीयर के साथ, भाई रोमन ने फिनिश कर दिया। जैसे कि रोमन हर मैच के एंड में स्पीयर मारकर विक्ट्री ले लेते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने ब्रदर सेथ रॉलिंस की टीम को स्पीयर मार के जिता दिया है। अगर आपको वीडियो में जाना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो लेके,